मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिन दहाड़े फायरिंग कर ऑटो में सवार एक यात्री से लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दो बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें ऑटो में बैठे यात्री घायल हो गया है। नाला सोपारा के पिलहार पुलिस स्टेशन अंतर्गत वाकनपाड़ा में इस फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भंगार की दुकान पर काम करने वाला अजय कुमार प्रजापति अपने साथ एक बैग लेकर ऑटो रिक्शा में बैठा, तभी दो बाइक सवार ऑटो रिक्शा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक युवक ऑटो रिक्शा में बैठे अजय कुमार से उनका बैग छीनने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान बदमाश ने दो गोलियां भी चलाई मगर अजय कुमार को नहीं लगा। तीसरी गोली बताया जा रहा है कि अजय कुमार के हाथ में लगी है और बाइक छीन कर ये बदमाश बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर तभी वहां पर मौजूद दोनों बदमाशों को लोग पकड़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये बदमाश भागने में कामयाब ज़रूर हो गए हैं। घायल अवस्था में अजय कुमार को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस ने पंचनामा कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला क्या जानकारी दो? मैं आ रहा था स्टेशन से, संतोष जब पहुंचा उसको बैठाया, एक पैसेंजर बाहर दिया मैंने बैठाया, वो बोला शान बार जाएंगे, मतलब बैठो, बैठा उसको शान बार पे उतारने लगा तो उसके पीछे से उसने बाइक बैग उसका छीनना चालू कर दिया। बोला भाई काहे के मगजमारी कर रहे हो? उसने मगजमारी करके बोला कि मेरे ऊपर बंदूक ताना है और मेरे को दिखा, वहां से भाग लिया और उसको दो लोग बाइक से लोग मार के निकल गए।